अच्छा, रिमोट स्पेन के लिए हम इधर पैकेट ट्रेसर में आए हैं, और उसकी वजह आपको पता है कि उधर नहीं हो रहा था। GNS3 में रिमोट सेशन जो है स्विच ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली, कुछ इशू है, बग्स हैं, तो मैं इधर आपको शो कर रहता हूँ। रिमोट स्पेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक से ज़्यादा स्विचेज में हो तो फिर हम रिमोट स्पेन जो है वो कन्फिगर कर लेते हैं। मैंने इस स्विच के साथ 1, 2, 3, 4 सिस्टम अटैच की है। 1, 2, 3, 4 इनको IP असाइन किया है। ये एक सर्वर लिया है टेस्ट पर्पस के लिए, अब इधर से ले सकते हो। और 2 लेयर 3 स्विचेस ली है। ये स्विच है ये वाला 3560 वाला, ये साइड। और इधर से मैंने स्निपर लिया है। ये स्निपर आप इधर से उठा सकते हो, एंड डिवाइसेस में आपको मिलेगा स्निपर ये वाला। ये मैंने इधर अटैच किया ताकि हम पैकेट को स्निप कर सके। इधर मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, इनको IP असाइन किया। तो अगर मैं इधर से आपस में इनका कोई कम्युनिकेशन करा दूं, सपोज मैं पिंग कर रहा हूँ इस 4 से 1 को, ठीक है, ये कंटिन्यूस पिंग पे मैंने लगाया, पिंग T और ये, तो इधर मुझे पैकेट नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्निपर पे मुझे कोई पैकेट नहीं मिल रहा है, और मिलना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये आपस में पिंग करें। हाँ, अगर ये सिस्टम इसको पिंग करेगा, ये बाय डिफॉल्ट सिचुएशन में बता रहा हूँ, ठीक है, तब जाके स्निपर इसको स्निप कर सकता है क्योंकि वो रास्ते में आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको 10 कर दूँ तो अब स्निपर जो है इधर मुझे पैकेट शुरू कर देगा, ठीक है। ये आ गए 1, 2 पैकेट आर्प के, और इसकी वजह ये है कि इसका इंटरफेस डाउन है, तो नो शट डाउन स्विच पोर्ट मोड ट्रंक सही है। तो अगर मैं इधर से अब पिंग करूं इस सिस्टम को तो फिर तो पैकेट आ जाएगा, स्निपर इसको स्निप कर देगा इसको क्विकली, क्योंकि ये ऑरेंज है तो पैकेट नहीं जा रहा है अभी। अब ये सही हो गया, तो ये आर्प के और अब ICMP के पैकेट आने शुरू हो गए, ठीक है। जबकि इससे पहले जब ये इनको पिंग कर रहा था तो कोई पैकेट मुझे इधर नहीं मिलेगा, और मिलना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इनको मॉनिटर कर सकूँ, इन सारी सिस्टम्स को, एक सिस्टम को भी कर सकते हो, एक से ज्यादा भी कर सकते हो, और पूरी नेटवर्क को भी कर सकते हो, तो मैं इस स्विच में आके जो कि इधर है, इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में जाके सबसे पहले लिख दूंगा, अच्छा VLAN बना दूंगा। VLAN कुछ भी नंबर दो, मैंने 10 दिया, और इसका नाम रख दूंगा रिमोट स्पेन। नाम नहीं बल्कि ये कमांड होता है, नेम मैं अभी रख देता हूँ इसका। सपोज अगर नाम देना है तो इसको मैंने नाम दिया स्पेन। इसके बाद मॉनिटर सेशन 1, आवर सोर्स इंटरफेसेस जो मेरे हैं वो फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके डैश फास्ट इथरनेट 0/4 तक है, 4 सिस्टम है, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी समझाया था कि एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। इवन अगर आपने इधर करना है कि बोथ या सिर्फ रिसीव, या तो बाय डिफॉल्ट भी बोथ होता है, तो मैंने बोथ कर दिया। दूसरा मैं कहूंगा मॉनिटर सेशन 1, डिस्टिनेशन में इनको कह दूंगा रिमोट VLAN जो कि 100 हमने बनाया था, ये था इधर से। अब ये सेम काम मैं इधर करूंगा लेकिन थोड़ा सा चेंजेस लाके। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन पे इधर VLAN 100 सेम उसी नंबर से बनाऊंगा, रिमोट स्पेन नाम, तो रिमोट स्पेन एनेबल कर दूंगा कि ये रिमोट स्पेन का VLAN है, और नेम मैंने उधर स्पेन दिया था। इसके बाद मैं इधर भी लिख दूंगा मॉनिटर सेशन 1, या 1 दो कुछ भी दो, सोर्स सोर्स जो है वो रिमोट VLAN 100 है, और मॉनिटर सेशन 1 डिस्टिनेशन मैं चाहता हूं कि इस इंटरफेस को फॉरवर्ड करे 0/1 को, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। चेक कर लेता हूँ शो मॉनिटर सेशन आल, तो ये कह रहा है कि इस इंटरफेस, ये विलेन से उठा के इस इंटरफेस में डाल देगा। अगर हम दूसरे स्विच में जाए और उधर चेक करें तो वो सारे इंटरफेसेस से उठा के शो
मॉनिटर सेशन वन, ये कह रहा है कि ये इन इंटरफेसिस, चार इंटरफेसिस से डेटा बहुत उठा के रिमोट सेशन में डाल देगा और ये स्विच उससे उठा के इधर डाल देगा। दोनों इंटरफेसिस जो स्विच टू स्विच है उनको ट्रंक होना चाहिए, तो जो इंटरफेस है वो G0/1 है, तो मैं इसको ट्रंक बना देता हूँ दोनों साइड पे, या एक बना दो तो दूसरा हो जाएगा G0/1 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1Q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, बस यही करना था। अब जब ये सिस्टम आपस में कहीं भी कम्युनिकेशन करे आपस में, इवन मुझे इधर स्निपर में इनका डिटेल मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा है कि जब भी ये तो उसको रिमोट सेशन में डाल दो, रिमोट सेशन से वो ये उठा के इधर डाल देगा और इधर दरमियान में मैंने स्निपर लगाया है। तो जब ये आपस में, अब अगर ये पीसी E1 PC1 को पिंग कर रहा है जो कि PC1 की IP है, मुझे इस स्निपर में इधर इसकी डिटेल मिलते जाएंगे, ये है आ रहे हैं, क्लियर कर दो, दोबारा आने शुरू हो गए, ये कर रहे हैं, ठीक है आ रहे। और अगर पे क्लिक करके चेक भी कर दूं तो सोर्स 1.4 है और डिस्टिनेशन 1.1 है, जो कि ये 4 और ये 1 है। E1 अगर इस सिस्टम से कुछ भी कर लूं, किसी और ट्रैफिक को जनरेट करते हैं HTTP का ट्रैफिक, तो मैं इसमें गया और 192.168.1.1 टाइप कर दिया, मैं वेब पे गया, इधर मैं वेब पे गया। इवन दो कि इसका इधर से क्या ताल्लुक, लेकिन ये इसको मॉनिटर करके इसमें डाल ले तो इधर वेब का ट्रैफिक आया होगा, नीचे जाके ये HTTP का ट्रैफिक है, कह रहा है कि 1.4 जा रहा है 1.1 के पास, ये चार ट्रैफिक है जो उसकी से रिटर्न भी आए हैं और इनसे भी ये है, तो ये मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। ये था रिमोट सेशन, ठीक है। इसी तरह अगर एक और स्विच है तो उसमें रिमोट स्पैन बना के, रिमोट स्पैन का VLAN बना के उसमें डाल दो और लास्ट में आप कर सकते हो। तो हमने लोकल पहले किया था और चूंकि वो उधर इशू आ रहा था GNS3 में, तो मैंने आपको इधर करके दिखाया कि किस तरह होता है।